देखिए मैंने प्लेट में डाली हूँ, अभी से जैसे मर्जी उसे आप लोग खा। तो ये आज अंडा कढ़ाई बन रहा है मेरा घर में। ये अंडा बॉईल करने के लिए स्टीमर में रख दी हूँ। करीब कितना, 7 अंडा है, कंफ्यूज हो जा रही हूँ। तो इसी की रेसिपी मैं आज शेयर करूंगी, क्योंकि मैं नहीं बना रही हूँ, मैं बार बार आप लोगों से बता दे रहे हैं, ये मेरी रेसिपी नहीं है, लेकिन मैं शेयर जरूर करूंगी। आप लोग का आई होप बहुत पसंद। इसकी ये खड़ी मसाले है जो पहले से काट के रखी हुई है, 2 टमाटर है, कुछ हरी मिर्च है जो अपना टेस्ट के हिसाब से डाला गया है, कम बेस कर सकते हैं, और 3 प्याज है। 2 प्याज को स्लाइस स्लाइस में काट लिया गया है, ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े में, और 2 को लंबा लंबा, एक सॉरी 1 को लंबा लंबा काटा गया है, और थोड़ी सी तेज पत्ता है, और यहाँ पे अदरक अदरक लहसुन और सूखी मिर्च डाला हुआ है, क्योंकि पाउडर मेरे घर में अभी ख़त्म हो गया है, तो इसको मैं सिलपट्टे पे खुद पीसूंगी। तो यही सब मसाले हैं जो घर में होता है, वही वही सब यूज हो रहा है, लेकिन बहुत टेस्टी होता है। तो आप लोग भी बताइएगा और देखिए मेरी रेसिपी आगे आगे, देखिए मैं शूट करके बता रही हूँ क्या क्या मसाले आगे पड़ते हैं। अभी नहीं, तो ये जो मैंने अदरक लहसुन और सूखी मिर्च की जो दिखाई थी सिलपट्टे पे, उसको मैंने पेस्ट तैयार कर ली हूँ। इसमें ऊपर जो आपको दिख रहा है वो काली मिर्च पाउडर है, काली मिर्च पाउडर इसमें डाल दी हूँ, और ये है गरम मसाले हैं, सब एक ही साथ मिक्स कर देंगे। ये हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर, बहुत कम कम मसाले हैं, छोटा चम्मच है उसे, एक एक चम्मच डाला जा रहा है, और ये है जीरा पाउडर, ये देखिए बहुत कम मसाले में ये बनेगी, और ये है चिकन मसाले, ये टेस्ट के लिए, चिकन मसाले डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा से निकल के आता है। बस वही घर का ही मसाला है, इसमें कोई चिकन मसाला ऑप्शन है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन उसे टेस्ट अच्छा आता है इसीलिए डाला जाता है। तो इसमें तेल डाल दिया गया है, जो अंडा कढ़ी बन रहा था, तेल देखिए गरम हो गया है, तेल गरम हो गया है, अब इसमें डाला जाएगा अंडा, जिसमें जो अंडा हमने बॉईल किए हुए थे वो पूरा अंडा को डाल के ऐसे फ्राई कर लेंगे, इसको अच्छे से तेल को गरम करके, इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा जाता है, इतना भी ज़्यादा नहीं जाता है, थोड़ा सा ही ज़्यादा जाता है, तो उसको अच्छे से इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए अपना हिसाब से इसको फ्राई करना है, अगर आप चाहें तो कड़क भी फ्राई कर सकते हैं, और चाहें तो हम लोग ऐसे कड़क फ्राई नहीं किए हैं, इसी तरह अब इसी में सारे मसाले को ऐड कर देंगे, तेज पत्ता और कटी हुई हरी मिर्च और स्लाइस कटा हुआ 2 प्याज का, वो सब एक साथ ही सब डाल देंगे, ताकि सब एक ही साथ फ्राई होते रहे, और इसको अच्छे से चलाते हुए। तो प्याज लगभग देखिए ब्राउन हो चुका है, अब अभी इसमें टमाटर डालेंगे, टमाटर इसी में डाल देंगे, इसी में साथ साथ पकते रहेगा, और टमाटर जो पानी इसमें जो टमाटर से जो पानी निकलेगा उसी से इसका ग्रेवी बन जाएगा, और टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डालेंगे, अपने हिसाब से आप लोग ले लीजिएगा, और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। तेज आंच में इसको नहीं पकाएंगे, मीडियम आंच में इसको पकाएंगे धीमे धीमे, ताकि जो टमाटर है इसका जो पानी निकल जाए इसमें से, और प्याज तो वैसे ही थोड़ा इसमें वो है, पूरा इस प्याज को हम लोग नहीं भुने हैं, इसी में साथ में ही भून रहे हैं, तो उसी से इसका पानी निकल के और ग्रेवी बहुत अच्छा से थिकनेस ग्रेवी की आएगी, एकदम अलग तरीका है ये बनाने का, और लेकिन बहुत अच्छा बनता है ये। ढक देंगे इसको जो टमाटर है, ताकि अच्छे से सीज जाए, और इसको 2 से 3 मिनट तक ढक के रखेंगे, ताकि पानी निकल जाए, उसके बाद से मसाले को। देखिए ढक्कन खोली तो इसका ग्रेवी पूरा ऐसे हो गया है, पक गया है, अब इसमें अब करीब 2 से 3 मिनट तक इसको ऐसे ढक के पकाने से, इसका पूरा पानी निकल जाने से पूरा एकदम, अब इसमें मसाले को डाल देंगे, इसी में सब साथ में डाल देंगे, इसको भी थोड़े से ढक के पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक। देखिए देखने में भी इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम अलग तरीका है बनाने में, और एकदम इजी है, कोई इसमें हार्ड इतना ये नहीं है कि ये फ्राई करके रखो ये वो फ्राई करके रखो, सब बस इसमें डालने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है, कि कितना मिनट में क्या क्या डालेंगे, कैसे पका के क्या डालेंगे, बस वही है, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है, इजी बनता है। अब इसको भी ढक के 1 से 2 मिनट तक रखेंगे, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाए, और ऑयल जो मसाले में से निकलते हैं वो निकल जाए। लंबा लंबा प्याज को काट के रखे थे, उसको अलग अलग कर दिया गया है, अब मसाला भी, ये मसाला भी पूरा पक गया है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना, ये कितना खुशबू आ रहा है इसमें से, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा अच्छा खुशबू आ रहा है, और इसको बाद में इसको डाल देंगे, और फिर इसको धीरे धीरे ऐसे चलाते रहिए।
कितना इजी है और कितना अच्छा बना भी हुआ। ये नहीं है कि इजी है तो अच्छा नहीं बना होगा। इसका जब सेंट इतना अच्छा आ रहा है तो सोचिए खाने में कितना अच्छा होगा। वाकई में खाने में बहुत टेस्टी होता है। और इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं ऐड करेंगे, बस ऐसे ही बनेगा। अब इसको फिर से ढक देंगे पूरा अच्छा से। जो प्याज डाले हुए थे, प्याज कैसे करके लच्छे करके इसे से प्याज भी पूरी अच्छे से पक गई है और लच्छे लच्छे में है। और इसमें एक बूंद भी पानी ऐड नहीं किया गया है। अब इसको बंद कर देंगे। बहुत अच्छी दिख रही है ना, पूरी एकदम फटाफट जल्दी से क्विक बनने वाली ये रेसिपी है। अब इसको प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ कैसे दिख रही है। अब इसको रोटी से खाइए, दाल चावल से खाइए। देखिए मैंने प्लेट में डाली हूँ। अब इसे जैसे मर्जी उसे आप लोग खाइए। ज़्यादातर बच्चे लोग को बहुत पसंद है ये। ज़्यादातर बैचलर लोग बहुत इजीली बना लेते हैं। और कितना इजी ये रेसिपी है ना, खाने में भी बहुत टेस्टी है। कोई मसाला भूनना नहीं है पहले, ना अंडा को फ्राई करना है, ना प्याज को फ्राई करना है। तो आप लोग भी ये मेरी रेसिपी को ट्राई करिएगा और बना के एक बार देखिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसी बनी हुई है। वैसे तो बहुत मज़ेदार की बनी हुई है। तब तक हम लोग चलते हैं, इसको टेस्ट करके देखती हूँ। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को देखिए।